हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी अंजना ब्लॉग्स। पिछले वीडियो हम लोग बहुत मस्ती वाले किए थे, आज ऐसे ही हम लोग और एक वीडियो लेके आए हैं। उसमें मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलाने जा रही हूँ जो वो अपने दिल का बात दिल से करने वाले हैं और आप लोग को पूरा शेयर करने वाले हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं उनके साथ। हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा, दिल की बात आपके साथ। आज की मेरी जो शायरी है वो उन लोगों के लिए है जिनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वो स्टेटस पे नहीं पहुंच पाते हैं या वो लड़की की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो लेट्स सी, थोड़ा दिल से सुनना, दिल से लिखी है। बेकसूर तुम हो तो गुनहगार मैं ही होऊंगा, बेकसूर तुम हो तो गुनहगार मैं ही होऊंगा, वफादार तुम हो तो बेवफा मैं ही होऊंगा। छोड़ के जो तुम गई हो, छोड़ के जो तुम गई हो, जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। जा जा जो तुझे जाना है, अब तेरे जाने पे मैं नहीं रोऊंगा। जा जो तुझे जाना है, अब तेरे जाने पे मैं नहीं रोऊंगा। तू फिकर ना कर तेरे जाने से बर्बाद मैं नहीं होऊंगा। तू फिकर ना कर तेरे जाने से बर्बाद मैं नहीं होऊंगा। मुझे हासिल करने को तरसे, एक दिन उस मुकाम पे मैं हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। तो जितनी हमारी गर्ल्स फैन हैं वो थोड़ा सा मुझ पे नाराज़ ज़रूर हुई होंगी। डोंट वरी, मेरे पास आप लोगों के लिए भी कुछ है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं छोड़ के जाती हैं, लड़के भी तो छोड़ के जाते हैं, तो उन पे भी मेरे पास कुछ लाइन्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो तेरी बात अधूरी सी वो मुलाकात अधूरी सी, वो तेरी बात अधूरी सी वो मुलाकात अधूरी सी, वो तेरा प्यार अधूरा सा वो इजहार अधूरा सा। होते हैं ना कुछ 50-50 वाली कंडीशन पे, हाँ ना घर वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए है। तुम हंस क्यों रही हो, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, कॉमन है आजकल तो ये कॉमन है। तो हम कहाँ थे, हाँ, वो तेरा प्यार अधूरा सा वो इजहार अधूरा सा, वो तेरी सांसें अधूरी सी और मैं कुछ पूरी सी। समझ रहे हैं ना मेरा इशारा आप लोग, वो तेरी सांसें अधूरी सी और मैं कुछ पूरी सी। मैं तेरी पूरी सी, तू मेरा अब भी अधूरा सा, अभी भी कंफ्यूज है बेचारा लड़का। वो तेरा एहसास पूरा सा, तू मेरा फिर भी अधूरा सा, 50-50 कंडीशन। वो तेरा एहसास पूरा सा, तू मेरा फिर भी अधूरा सा, वो तेरा हक जताना पूरा सा पर मुझे अपनाना अधूरा सा, वो तेरा हक जताना पूरा सा पर मुझे अपनाना अधूरा सा। ये लड़के बड़ा हक जताते हैं, ये मत करो, वो मत करो, इससे मत बात करो, उससे मत बात करो, पर जहाँ कमिटमेंट की बात आती है वहां पे साइलेंट। मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, कास्टिज्म आ जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। होता है, सबके लिए नहीं है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है, आप लोगों को भी पता है। ठीक, तो हम कहते हैं, वो तेरा हक जताना पूरा सा पर मुझे अपनाना अधूरा सा। क्यों आज भी कुछ मैं भी अधूरी सी, कुछ तू भी अधूरा सा। ये शायरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू। तो दोस्तों, कभी कभी हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जो साइलेंट लवर होता है। साइलेंट लवर सोच रहे होगे ना क्या होता है, सोचो सबकी लाइफ में होगा, सबको अभी याद आ जाएगा मैं बताऊंगी। तो साइलेंट लवर वो होता है जो चोरी चोरी चुपके चुपके से मन मन में आपको प्यार करता है लेकिन बोलता नहीं है या बोलती नहीं है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो डरते हैं कि आपने अगर उन्हें रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसी चीज़ पे आज मुझे एक लाइन याद आ रही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या होता है ना, ये साइलेंट लवर दो टाइप के होते हैं, एक वो जो रियल वाले होते हैं, एक वो जो फेक वाले होते हैं। तो ये जो मैं लाइन शेयर कर रही हूँ ना, वो फेक वालों के लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वो कहता है, वो साइलेंट लवर, वो कहता है कि उसे सालों लगे मुझे पाने में, वो कहता है कि उसे सालों लगे मुझे पाने में, लेकिन जब मैं रूठी तो उसने एक पल भी नहीं दिया मनाने में, तो हुआ ना फेक साइलेंट लवर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। शायरी कैसे लगा है, क्या लगा है, अगर आपको इस शायरी ऐसे तरह का और चाहिए तो आप हमारा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।